हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपन फैमिली ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हो, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों तो मैं ससुराल में हूँ, मैं देख सकते दोस्तों, और मेरा सासू और ससुर जी पूरी गए थे और उधर से आया है और प्रोग्राम दे रहा है, देख सकते दोस्तों। खिचड़ी का प्रसाद बनाने के लिए तैयारी चल रहा है, तो देख सकते दोस्तों खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों। और राधे कृष्ण का प्रोग्राम, जो हरे कृष्ण रामो जो कीर्तन गाया जाता है, वो भी प्रोग्राम होगा आज। पहले प्रसाद बनाया जाएगा और देख सकते दोस्तों ये आलू कटिंग क्या है, मिर्ची है और बहुत कुछ है दोस्तों, जो भी लगता है सब कुछ है, देख सकते दोस्तों। तो अभी चालू हो गया है दोस्तों, देख सकते हो ये तेल में भूजेंगे, भूज के इसको देख सकते दोस्तों, अभी तेल में इसको बनाया जा रहा है अच्छा से, देख सकते दोस्तों आलू भुजा जा रहा है और सब कुछ भूजने के बाद वो खिचड़ी में डाल के अच्छा से बनाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो बिना स्किप के ही देखना, बहुत अच्छा होने वाला आज का वीडियो और पूरा प्रोग्राम देख पाओगे आप लोग दोस्तों, तो देखते रहना दोस्तों, देख सकते हो ये आलू का अभी फ्राई चल रहा है, जितना भी सब्जी कटिंग किया सबको फ्राई किया जाएगा एक एक करके, देख सकते हो दोस्तों। देख सकते हो फिर जितना भी सामान है सब कुछ कटिंग करके रेडी किया है, अच्छा से भूंज लिया जाएगा इसको। देख सकते दोस्तों पूरी धाम गए थे घूमने के लिए और आया है और खिचड़ी का प्रसाद तैयार हो रहा है, तो देख सकते दोस्तों अभी जो है ये मसाला भूजा जा रहा है, इसमें सब कुछ दिया जा रहा है और सब्जी जो बनाया वो पांच तरह की मिक्स करके बनाया, वो सब्जी पांच तरह की सब्जी है, वो उसको घटिंग करके बनाया है, तो देख सकते दोस्तों चल रहा है ये सब्जी, सब जितना भी है सब इसमें डाल के इसको अच्छा से एक साथ मिक्स करके और थोड़ा सूखा सूखा करके इसको रेडी किया जा रहा है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी होता है, पांच तरह की सब्जी है इसमें दोस्तों, आलू है, परवल है, मीठा कदमा है, टाठा है, पपई है, बहुत कुछ है दोस्तों। और ये प्रसाद देखिए दोस्तों, प्रसाद किया रेडी, आम और कटहल का प्रसाद रेडी किया है, तो अभी वो सब्जी रेडी हो गया और अभी इसमें देख सकते हो दोस्तों उधर सब्जी रखा हुआ है और अभी खिचड़ी रेडी करने के लिए कढ़ाई में सब ये भी डाला जाएगा दोस्तों। अभी इसमें मसाला दिया जा रहा है, देख सकते हो दोस्तों मसाला को अच्छा से भूंजा जा रहा है। ये खिचड़ी जो पकाता है ना दोस्तों बहुत ही टेस्टी होता है, प्रसाद के लिए जो पकाया जाता है बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। और हमारे ससुर ससुर माँ जी पूरी धाम घूमने के गए थे और आया है, आने के बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और शाम को हरे कृष्ण राम का भोजन किया जाएगा घर पे, आप लोगों को वो भी मैं दिखाऊँगा दोस्तों। देख सकते दोस्तों ये चावल भी डाल दिया इसमें, अभी फुल कढ़ाई करके इसको डाल दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। इसमें चावल डाल दिया गया है और ये अच्छा से उबाल के बस थोड़ा सा पकने के बाद इसको उतारा जाएगा। खिचड़ी का प्रसाद बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो रेडी हो गया है खिचड़ी का प्रसाद, इसको खाली किया जा रहा है कढ़ाई से, ये भी देख सकते हो दोस्तों ये हंडी जो फुल है और ये भी बर्तन फुल है, देख सकते हो दोस्तों प्रसाद रेडी हो गया है। और ये प्रसाद जो रेडी हो गया है अभी रात को भोजन किया जाएगा, हरे कृष्णा का भोजन किया जाएगा घर पे, इसके बाद प्रसाद बांटा जाएगा। सात दिन के बाद आया है घूम के पूरी धाम से, हाँ सात आठ दिन हो गया दोस्तों आए हुए,
अभी खाली हो रहा है कढ़ाई पर, अच्छा से इसको खाली किया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो। तो बन के ये तैयार है दोस्तों, और बहुत ही, तो दोस्तों ये बन के तैयार है, अभी भोजन चालू हो गया है, और नेक्स्ट पार्ट टू में हम भोजन का वीडियो दिखाएंगे हरे नामक कृष्ण का। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसे मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक आप लोग खुश रहिए स्वस्थ रहिए दोस्तों। भोजन का जो वीडियो है फुल वीडियो दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, देख सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाय।